नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। जरा सोचिए, कोई नॉर्मल दिन है और आप अपने रोजमर्रा का काम कर रहे हैं और अचानक से जब आप अपना मुंह धोने जाते हैं तो वहां पर पानी लाल आपको मिलता है। क्या स्थिति होगी आपकी, क्या चल रहा होगा आपके मन में? ज़्यादातर ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिल्मों में दिखाई जाती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी चीज़ें हकीकत में हो रही है तो क्या? जी हाँ, अलीगढ़ में लगभग पिछले एक हफ्ते से लोग गंदा लाल रंग का पानी पीने को मजबूर हैं। अलीगढ़ के थाना क्वासी इलाके में केलानगर, जीवनगढ़ समेत कई क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन लीकेज होने के कारण खून जैसा लाल पानी आ रहा है। नतीजा ये निकला कि 50 से अधिक बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, वही गंदा पानी पीकर एक ने अपनी जान भी गंवा दी है। अब इसी के चलते वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया, सड़क जाम करके नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, ऐसा है कि वार्ड नंबर जो है वो हमारे 57 में और जो है वो आपका 58 में भी, ठीक है, 47 में भी ये पानी आ रहा है, ये ठीक है, जगह जगह पे लीकेज हुई हुई है। कई बार जो है वो एरिया के पार्षद हैं, ये शाहिद मलिक हैं, ये आशू भाई हैं, इन लोगों ने कई बार जो है वो नगर आयुक्त से कह दिया, मेयर साहब से कह दिया कि साहब इस पाइपलाइन को ठीक करा दीजिए। आज तक वो पाइपलाइन ठीक नहीं हो पाई है और हालात ये हो गए हैं कि सड़कों पे लोग आके बैठे हुए हैं, सबके मोबाइल बंद हैं, समझ रहे हैं, सारे लोगों के मोबाइल बंद हैं, सुबह से फोन करे जा रहे हैं, जब कोई सुन नहीं रहा है तो इस गूंगी भाई सरकार को सुनाने के लिए सड़क पे आना पड़ा है। किस तरीके का पानी आ रहा है? ये आ रहा है आपके सामने, है खून खून भरा हुआ पानी आ रहा है, लाल गंदा पानी आ रहा है। जब तक हम लोगों की बात सुनने के लिए कोई नहीं आया, तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। बदबूदार पानी को लेकर स्थानीय लोगों का जन आक्रोश फूट पड़ा। पिछले एक हफ्ता से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते इलाके में 50 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए हैं। लोगों को लूज मोशन और हैजा तक भी हो गया है। गंदा पानी पीकर बीमार लोगों को जेएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। अब जहां इतने बड़े पैमाने पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वहां राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी मंसूबों को भुनाने की कोशिश जरूर ही करेगी। तो बस जनता की गंदे पानी की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता भी अपने दल के साथ नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचाए और धरने पर बैठ गए। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों समेत नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन इन सब नारेबाजी और राजनीतिक घमासान के बीच सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है और जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठेगा? यूपी के तमाम बड़े खबरों के लिए आप यूपी तक जरूर देखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।